Everyone, I am Anuj Kasyap and English grammar teacher from Dr. Ram Kumar Giri Inter College, Dapharpur, Chauraha. Today my topic is let us start present indefinite tense ka affirmative sentence. Iski identification hoti hai jiske last mein ta hai, ti hai, te hai, aadhi shabd aate hain. इसका स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन बनता है. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अदर वर्ब लगाते हैं. इसमें सिंगुलर नंबर के साथ ई या एस लगाते हैं और प्लूरल नंबर के साथ ई या एस नहीं लगाते हैं. जैसे पहला सेंटेंस है हमारा, मनीष घर से दुकान जाता है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ये फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे. सब्जेक्ट है इसमें मनीष, तो मनीष की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मनीष. इसके बाद क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाता. तो गो, इसमें सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ गो का क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा. इसमें इस सेंटेंस में ये देखेंगे कि जिस हिंदी बाद में लिखी होती है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे और जिस जो पहले लिखी है उसकी हिंदी बाद में लिखेंगे. तो इसमें दुकान है तो दुकान की इंग्लिश क्या होती है, शॉप. तो टू शॉप फ्रॉम होम. सेकेंड सेंटेंस है, मुकेश बाजार से घर जाता है. तो इसमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मुकेश, तो मुकेश लिखेंगे. अब मुकेश सिमिलर नंबर है तो इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, गो का क्या हो जाएगा, गोस. इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या बताए थे, जिसकी हिंदी बाद में लिखी होती है उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं और जो हिंदी पहले लिखी होती है उसकी इंग्लिश बाद में, खाली इतना चेंज करना होता है. तो ये बाद में घर लिखा है तो घर की इंग्लिश पहले आ जाएगी, तो टू होम फ्रॉम मार्केट. थर्ड सेंटेंस है, दादाजी अखबार पढ़ते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है दादाजी, तो दादाजी की इंग्लिश क्या होगी, ग्रैंडफादर. फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. मेन वर्ब क्या है इसमें, पढ़ते, तो दादाजी सिंगुलर नंबर में आते हैं तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स. क्या पढ़ रहे हैं, अखबार, तो अखबार की क्या हो जाएगी, द न्यूज़पेपर. फिर है, तुम स्कूल से घर आते हो. तो इसमें ये तो हम लोग जानते ही हैं कि आई वी यू दे, ये प्लूरल नंबर में आता है और प्लूरल नंबर के साथ क्या बताए थे, ई या एस नहीं लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ ई एस लगता है. ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू. इसके बाद क्या लगाएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो मेन वर्ब क्या है, आते, तो आने क्या हो जाएगी, कम. इसमें यस नहीं लगेगा, सिंगुलर नंबर के साथ ई एस ऐड करते हैं. ठीक, ये भी तो बताए थे कि मतलब जो हिंदी बाद में लिखी होती है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे और जो पहले लिखी होती है उसकी हिंदी बाद में लिखेंगे. तो टू होम फ्रॉम स्कूल. फिफ्थ सेंटेंस है, पिताजी ऑफिस से घर आते हैं. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पिताजी, तो पिताजी की इंग्लिश क्या लिखेंगे, फादर. फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आना. ठीक, तो इसमें क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर क्या है, पिताजी सिंगुलर होते हैं, तो कम की क्या हो जाएगी, कम्स. वही भी तो बताए थे कि मतलब जो इंग्लिश बाद में हिंदी लिखी होती है इसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो टू होम फ्रॉम कहाँ आ रहे हैं, ऑफिस. फिर एक खिलाड़ी मैदान में क्रिकेट खेलते हैं. तो इसमें ये तो सभी को पता है, जब क्वेश्चन निश्चित होती है तो उसके पहले जो है दा की यूज करते हैं. अभी तो सबको पता है कि मतलब मैदान में क्रिकेट खेलेंगे तो बहुत उसमें लो होंगे, तो ये प्लूरल नंबर में सेंटेंस हो जाएगा. तो खिलाड़ी के लिए क्या हो जाएगी, द प्लेयर्स. फिर इसमें क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगी, प्ले. क्या खेल रहे हैं, द क्रिकेट. कहाँ खेल रहे हैं, इन द फील्ड. इसके बाद सेवन्थ वाला सेंटेंस है, माँ रसोई घर में खाना बनाती है. तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, माँ, तो माँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मदर. ठीक, अब इसमें माँ सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बनाना या बनाती, तो कुक का क्या हो जाएगी, कुक्स. क्या बना रही हैं, द फूड. कहाँ बना रही, इन द किचन. फिर लास्ट में है, तारे आकाश में टिमटिमाते हैं. अभी इसमें एक सेंटेंस बताए थे, जब कोई चीज़ निश्चित होती है तो उसके पहले द का यूज़ करते हैं. तो तारे इसमें प्लूरल नंबर में हो जाएगा, तो तारे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्टार्स. क्या हो जाएगी, स्टार्स. इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं, टमटमाने या चमकने या झिलमिलाने की क्या होती है, ट्विंकल. ठीक, तो स्टार ट्विंकल कहाँ चमक रहे हैं, इन द स्काई. थैंक्स.